इग्नेशाय नमो नमः। मित्रों, अनोखा संगम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहुकाल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। आज की तारीख 21 जून 2022, आज का वार मंगलवार। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 और गुजराती संवत 2078 चल रहा है। आज अषाढ़ माह का आठवां दिवस है। अषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी 8:30 शाम तक रहेगी, तदुपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज के सूर्योदय का समय है 5:24 सुबह, सूर्यास्त का समय 7:22 शाम को रहेगा। आज के चंद्रोदय का समय है 12:58 मध्य रात्रि को और चंद्रास्त का समय 12:30 दोपहर को रहेगा। आइए देखते हैं आज के चंद्रमा और सूर्य के ग्रहों की दशा। आज चंद्र राशि है मीन, आज सूर्य राशि है मिथुन और आज सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में विराजमान है। आज चंद्रमा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में 5:03 अगले दिन सुबह तक रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे। आज का पहला कर्ण बालव 8:40 सुबह तक रहेगा। आज का दूसरा कर्ण कौलव 8:30 रात्रि तक रहने वाला है। इसके बाद तैतिल कर्ण प्रारंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं बालव और कोलव के विषय में। बालव कर्ण व्यक्ति को धार्मिक स्वभाव प्रदान करता है। इस कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति धर्म कर्म में अटूट विश्वास रखते हैं और धर्म यात्रा तीर्थ यात्रा के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। इस कर्ण के जातक अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये जीवन में काफी धन भी अर्जित करते हैं और धन धान्य से पूर्ण सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। कौलव कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति का स्वभाव मिलनसार होता है, हर किसी से अपना मेल जोल बढ़ाकर रखते हैं। इस कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति सबसे प्रेमपूर्ण और स्नेहयुक्त व्यवहार भी रखते हैं। इन्हें मित्रों से समय समय पर अनुकूल सहयोग और लाभ भी प्राप्त होता है। इस कर्ण के जातक बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं और किसी भी हाल में अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देते। आने वाले व्रत और त्योहारों की सूची में 21 तारीख को साल का सबसे बड़ा दिन, आज के दिन का समय रहेगा 24 घंटे से भी अधिक। 24 तारीख को योगिनी एकादशी और 25 तारीख को मासिक कार्तिकाई होगी। आज का योग आयुष्मान 6:41 सुबह तक रहेगा। इसके बाद सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। दिशाशूल की बात करें तो आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है। उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि आवश्यक हो यात्रा करना तब गुड़ और आटे से बने व्यंजन का सेवन करके यात्रा प्रारंभ की जा सकती है। आइए जानते हैं आयुष्मान योग के बारे में। भारतीय संस्कृति में किसी की लंबी आयु के लिए उसे आयुष्मान भाव ऐसा आशीर्वाद देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस योग में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल प्रदान करते हैं या उनका असर लंबे समय तक शुभ रहता है। इस योग में किया गया कार्य जीवन भर सुख देने वाला होता है। आयुष्मान योग के साथ जन्म लेने वाले व्यक्ति खाने के काफी शौकीन होते हैं और नई जगहों पर यात्रा करना, विभिन्न व्यंजनों का स्वाद लेना, आनंद लेना पसंद करते हैं। आप एक कार्य उन्मुख व्यक्ति हैं जो किसी भी पेशे में मानदंडों का पालन करते हैं। आप कला और साहित्य के क्षेत्र में पहचान हासिल करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति प्रतीत होते हैं। आज का शुभ समय, आज का अभिजीत मुहूर्त 11:54 सुबह से 12:50 दोपहर तक रहेगा। आज विजय मुहूर्त का समय 2:41 दोपहर से 3:37 दोपहर तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:02 सुबह से 4:43 सुबह तक रहेगा।
आज का अशुभ समय आज का राहु काल 3:52 दोपहर से 5:37 शाम तक रहने वाला है। यमगंड काल का समय 8:53 सुबह से 10:38 सुबह तक रहेगा। राहु काल और यमगंड काल दोनों ही अशुभ समय है, इसीलिए इन दोनों ही समय में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। आज के शुभ योगों में से अमृत कालम योग 12:10 मध्यरात्रि से 1:47 अगले दिन सुबह तक रहने वाला है। आज के सर्वार्थ सिद्धि योग का समय रहेगा 5:24 सुबह से 5:03 अगले दिन सुबह तक। मित्रों, आज पंचक पूरे दिन तक रहने वाला है, पंचक में भी कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं आज के दिन का चौघड़िया। चर समय 8:53 सुबह से 10:38 सुबह तक रहेगा। लाभ समय 10:38 सुबह से 12:23 दोपहर तक रहने वाला है। अमृत समय 12:23 दोपहर से 2:08 दोपहर तक रहेगा। शुभ समय की बात करें तो 3:52 दोपहर बाद से 5:37 शाम तक शुभ समय रहेगा। आज रात्रि के चौघड़िये में लाभ समय 8:37 शाम से 9:53 शाम तक रहेगा। शुभ समय 11:08 रात्रि से 12:23 मध्य रात्रि तक रहेगा। अमृत समय 12:23 से 1:38 अगले दिन सुबह तक रहने वाला है। चर समय अर्थात सामान्य समय 1:38 अगले दिन सुबह से 2:53 तक रहेगा। मित्रों, ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और आपका वीडियो में अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।